हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ पूजा एंड माय चैनल नेम इज़ ग्लैम यू. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. सो अभी बज रहे हैं 11:45 एंड अथर्व अभी सो रहा है. मॉर्निंग में फिर से पावर कट हो गया था 1 आवर के लिए, तो अथर्व का जो स्लीपिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि वो अभी 11 बजे के आसपास ही सोया था. तो उसके बाद फटाफट से मैं नहाई और पूजा वगैरह करी, क्योंकि आज थर्सडे है. तो उनको इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कि बता भी नहीं सकती हूँ वो कितना ज़्यादा हो रहा है. सो मैंने सोचा, ग्रोफर से मॉर्निंग में सामान आ गया था, तो जो ग्रोफर का इस बार का जो हमने टाइम सेट किया था वो 6 to 9 किया था. लेट आया थोड़ा, 9:15 के आसपास आया, बट इट इज़ क्वाइट ओके, क्योंकि हो जाता है आफ्टर ऑल, यू नो, लाइक ट्रैफिक होता है इतना ज़्यादा, तो ऐसा हो जाता है जब थोड़ा सा डिले हो जाता है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. लेकिन ग्रोफर से ना इस बार भी, लास्ट टाइम पे भी यही हुआ था. अदरवाइज जो सर्विसेज हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे भी जो मैंने बिस्किट्स मंगाए थे ना, पूरे के पूरे टूटे हुए आए थे. और इस बार भी मैंने ये बिस्किट मंगाया है, इसका ना पूरा का पूरा भरता बना हुआ है, चूरा एकदम ये है. तो मैंने खैर उनको कंप्लेन किया था इस बार में, तो उन्होंने मेरे को इसका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया. तो अगर उन सर्विसेज में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इस बार का जो सामान है ना, वो सामान भी काफ़ी कम मंगाया मैंने, ज़्यादा नहीं मंगाया, मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. लेकिन अब नेक्स्ट मंथ मैं जाऊँगी हाइपर मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारा सामान है जो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया. ऑनलाइन देखने पर ना एक्चुअली क्वांटिटी और वो सब चीज़ें उतनी ज़्यादा पता नहीं चल पाती हैं जितना आपको सामने से पता चलता है. तो इस बार मैं सिर्फ इतने सामान की ज़रूरत है, तो बहुत कम मंगवाया है. फटाफट सबको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया इस बार. तो ये मैंने जो मिनी सोया चंक्स होते हैं वो मंगवाए हैं, न्यूट्रेला. तो इसका जो ये हाल है, ये इस हालत में नहीं आया था. मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका ये हाल किसने किया होगा. बिल्कुल ठीक गेस कर रहे हैं आप लोग, अथर्व ने किया इसका ये हाल. उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टमाटो केचप मंगवाया था, ये ग्रोफर्स का ही है, हैप्पी डे करके जो भी उनका ब्रांड नेम है उसी का है. तो ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है. प्राइस वाइज इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था इसमें और टॉप्स में, थोड़े से पैसों का डिफरेंस था. मतलब थोड़े से पैसों से मतलब ये उससे थोड़ा सा सस्ता था, 5 या 6 रुपये सस्ता था बस, इससे ज़्यादा नहीं. तो मैं उससे एक बार इसको ट्राई कर लेती हूँ. देन कॉलिन चाहिए था, कॉलिन ख़त्म हो गया है. एंड उसके अलावा मैंने मंगाया है चिकन नूडल्स, 2+1 का ऑफर था, तो मैंने चिकन नूडल्स मंगाया इस बार. ये भी मैगी का ही है. एंड उसके बाद मैगी का ये बड़ा वाला पैक मंगवाया है. होता क्या है ना, मैगी अगर घर में रखी रहे तो कभी कुछ खाना बनाने का मन नहीं है, या बहुत ज़्यादा भूख लगी, खाना बनने में टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट आप मैगी खा सकते हो, इसलिए मैगी मंगवाई. और क्यूमिन सीड्स, ये भी इस बार मैंने मदर्स चॉइस मंगवाया है, जो ग्रोफर का ब्रांड है. एंड ये मैंने मंगवाया है टर्मरिक, तो टर्मरिक भी यहाँ पे 1+1 था, तो ये 32 रुपीज़ में मेरे को 200 ग्राम्स मिल गया, विच इज़ क्वाइट अ गुड डील. एंड देन कोरिएंडर पाउडर, दैट इज़ धनिया. धनिया भी सेम था, मतलब 1+1 था धनिया भी, ये भी 38 रुपीज़ का शायद पड़ा है मेरे को, 38 रुपीज़ के दो हैं ये भी. फिर काला चना, तो काला चना मैंने इस बार 1/2 kg मंगाया, बिकॉज पहले का थोड़ा बहुत रखा हुआ था, तो वापस से स्टोर करके रखो तो इनमें भी कीड़े लग जाते हैं, इसलिए मैंने उतना ज़्यादा फिर मंगवाया नहीं. ये बिस्किट मंगवाया, और ये डिश वॉश बार मंगवाया, और ये मंगाया अथर्व का डायपर. ये तो मेरे, जब भी मैं मार्केट जाऊँ या मैं किसी ग्रॉसरी स्टोर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो इसका होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मेरी उसमें यू नो लाइक हर शॉपिंग में अथर्व के डायपर्स जो हैं वो उसमें रहते ही रहते हैं. आई एम श्योर जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनकी शॉपिंग में डायपर जो है वो बहुत ही मैंडेट चीज़ होगी, जो हर बार घर में कुछ आए या ना आए, लेकिन ये जो डायपर्स हैं उनका आना बहुत ज़रूरी होता है. और ये मैंने बाउल्स मंगवाए हैं, ऑफ़र में था, 80 रुपीज़ का है ये दो बाउल्स, मुझे बहुत अच्छे लगे थे. ये हैं कांच के बाउल्स हैं, ये बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक ठाक से हैं इस तरीके से. तो अच्छे थे, मतलब अगर जैसे आपको कहीं जाना है तो आप इसमें लेके जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक की चीज़ों में लेके जाओ. और प्लास्टिक के अंदर वैसे भी कुछ खाने पीने का नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. तो इस वजह से मैंने मंगवा लिए, और डील अच्छी थी, क्योंकि 80 रुपीज़ का है. कई बार होता क्या है ना, जब आपको ऐसे किसी को गिफ्ट देना है तो आप उसको भी दे सकते हो ये गिफ्ट, तो उतने में चल जाएगा. इसके ऊपर तो लिखा हुआ है 299 रुपीज़, लेकिन ठीक पड़ गया. तो बस ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं इस बार, ज़्यादा कुछ भी नहीं मंगवाया मैंने. अगली बार
राज मंदिर जो यहाँ पे हाइपर मार्केट है वहाँ पे जाऊँगी और तब मंगवाऊँगी वहाँ से। फिलहाल चलो चलते हैं किचन में, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है पूजा करने के बाद, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। लेकिन अभी जो काले चने मैंने कल भिगोए थे ना, जो हाफ पोर्शन बचा हुआ है उसको मेरे को बॉईल करना है, मॉर्निंग में नहीं किया मैंने, तो उसको बॉईल कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत काम है फटाफट से। तो हम लोग अभी आ गए हैं किचन में एंड अभी जस्ट मैं ये देख रही थी नेस्कैफे कॉफ़ी का जो ये बॉटल लेके आई थी मैं लास्ट ईयर लेके आई थी, हालांकि एक्सपायर नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो कॉफ़ी है ना वो देखो ये पूरी की पूरी ना इसकी कॉफ़ी जम गई है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की निकालने की बट ये निकली नहीं है, तो मैंने सोचा इसमें ना थोड़ा सा, ये मैंने गर्म पानी करके रखा हुआ है, मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, मे बी ये जो कॉफ़ी है वो पूरी घुल जाए और निकल जाए इसमें से, तो मैं इसको भी थोड़ा सा रहने दूँगी। हाँ घुलनी शुरू हो गई है क्योंकि वैसे भी अभी काम की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यू नो सूख के वाइट वाइट से ही हो गई है, एक्सपायर्ड हो कॉफ़ी वगैरह लेके ना, कॉफ़ी बॉर्नविटा इन सब के साथ यही दिक्कत रहती है कि ये ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, हवा लगता है या बारिश के टाइम पे तो इनमें मॉइस्चर आ जाता है तो वो हो जाता है। पीछे मैंने जस्ट अभी बर्तन और अथक की बोतल वगैरह धो के रखी है इसलिए वो आपको दिख रही है वहाँ पे। साथ में मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, ये थोड़े से चने हैं वही जो मैंने बॉयल कर रखे हैं जो मैंने आपको बताया था कल, तो इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, अभी खाने के लिए मन कर रहा है खाने का कुछ। तो यहाँ पे मैं जो मैंने काले चने कल बचाए थे उसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने जो ये प्याज यहाँ पे रखी है ना इसमें से मैं ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, हाफ प्याज को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई के अंदर और हाफ प्याज को मैं कच्चा रखूँगी। तो डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा कच्चा प्याज पसंद है तो आप वो डाल सकते हो या फिर आप उसको अच्छे से रेड भी कर सकते हो। और ये जो चने हैं इसको मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ, बॉयल्ड चने हैं क्योंकि कच्चे चने को भूनने में कोई वो नहीं है, बहुत कच्चे रह जाते हैं नहीं फ्राई होते। उसके बाद इसमें मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा धनिया और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काली मिर्च और उसको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। डिपेंड करता है मतलब कैसे खाना चाहते हो, लेकिन मुझे तो ये इस तरीके से पसंद है जब ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है। चने काले चने जो हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, काले चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है खाने के लिए। यहाँ पर अब मैं चने को निकाल रही हूँ, इस टाइम पे ना बाहर मौसम भी बड़ा सही हो रहा था, धूप नहीं थी बिल्कुल भी और लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही मैंने बनाया ना वीडियो उसके थोड़ी देर के बाद बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हो अगर आप थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हो, तो मुझे तो अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए इस चने के अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा कच्चा प्याज जो मैंने बचा के रखा था और उसके बाद ये जो थोड़ा सा नींबू है उसको मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर दूँगी और बहुत अच्छे से मिला लूँगी। तो ये मेरा यमी सा जो है खाने को बिल्कुल एकदम रेडी है, मेरे को ये खाने को मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा पेट भर गया था। हे सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, 5:30 हो रहा है और अथर्व अभी यहीं पे खेलने में लगा हुआ है। अभी मैंने खाना नहीं बनाया बिकॉज आज हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर से कुछ ले आएँ, मतलब कुछ लाएँ से मतलब कि आज थोड़ा सोच रहे हैं बिरयानी खाने का, बिकॉज़ यू नो लाइक अभी नेक्स्ट फ्राइडे से श्राद्ध स्टार्ट होने वाले हैं, तो श्राद्ध शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद वैसे भी नहीं खा सकते, फिर 15 दिन के होते हैं ना श्राद्ध, शायद 15-16 दिन के होते हैं, तो 15-16 दिन श्राद्ध और फिर उसके बाद नवरात्र बिल्कुल साथ के साथ, मतलब अगर आज श्राद्ध ख़त्म है तो कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 1 महीना हो जाएगा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉनवेज लवर हैं, तो इनके लिए थोड़ा से यू नो लाइक मुश्किल दिन आने वाले हैं जिनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। देखो यार सब क्या करेंगे, पिल्लो फेंक रहे हैं यहाँ से उठा के, तो इनके लिए थोड़े से मुश्किल दिन आने वाले हैं, तो इसलिए सोचा कि आज बिरयानी खा लेंगे, फिर कल क्या हो जाएगा, कल होगा सैटरडे है, फिर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे नहीं खाते, वेडनेसडे 4 दिन बचे हुए हैं, और 4 दिन में ऐसे बिल्कुल मन का जो यू होता है ना, मतलब मन तो कभी भरता ही नहीं इनका चिकन से, लेकिन तभी भी तो वही है। और उसके अलावा मेरे बाल देखो, मेरे बालों में इतना ऑयल दिख रहा है, कितने भी जब ऑयलिंग करती हूँ ना तो उस पर इसको वॉश भी कर लेती हूँ तभी भी आई डोंट नो पता नहीं किस तरीके से ऑयल रह जाता है, 2-3 बार शैम्पू करती हूँ उसके बाद भी ऑयल रह जाता है। अथर में यहाँ पे कुछ और ही करने में लगा हुआ है, ये देखो दुको बोल दो हाय।
सो बस यही है, तो खाना बनाना नहीं है अभी, बट शाम हो रही है, मैं इनका वेट कर रही थी, तो अभी जस्ट इन्हें कॉल किया तो इन्होंने कहा है कि ये निकल गए हैं, बालकनी में बैठ जाते हैं थोड़ा सा, तो इन्होंने कहा कि निकल गए हैं, करोल बाग स्टेशन पे हैं अभी, ये मेट्रो स्टेशन पे हैं, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इनको आने में, तो मैंने सोचा चलो तब तक क्यों ना आपसे बात कर ली जाए, अभी थोड़ा टाइम मतलब हाफ एन आवर लग जाएगा, तो हाफ एन आवर तक, हाफ एन आवर बाद ही मेरे को चाय वाय बनानी है अभी, तो चाय मैं तभी बनाऊंगी, अंधेरा सा लग रहा है। हाँ तो अभी आएंगे उसके बाद ही मैं चाय बनाऊंगी, अभी नहीं जा रही बनाने, फिर दो दो बार चाय बनानी पड़ेगी, तो एक बार अभी चाय बनाऊंगी, फिर देखते हैं, घर का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है करने के लिए, मतलब कपड़े वो करने हैं, कपड़े तय करने हैं मुझे, थोड़े से कपड़े धोने भी हैं अभी, वैसे तो मैंने अभी वेडनेसडे को ही मशीन लगाई थी, लेकिन तभी भी थोड़े बहुत कपड़े हो जाते हैं, आप लोग जानते हो, ये देखो थक गया कर, आप लोग जानते हो जब बच्चे होते हैं ना जिस घर में, वहाँ पे एक दिन के तीन तीन चार चार कपड़े निकलते हैं, चार चार सेट कपड़े निकलते हैं, तो बस ये देखो, हाय बोल दो, ये क्या लगा है काला काला, ये क्या लगा है, ये क्या किया है, हंसा जा रहे हैं कुछ।